फसल है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। जो अपनी जेब से खर्चा लगा दिया खेती में, बुवाई में, जुताई में, वो भी पूरा नहीं होगा। और खाद नहीं मिल रहा, अब यही है कि काला बाजारी चल रहा है। खाद ना मिल रहा भैया, खूब घट्टा मट्टी है, दबके है, खाद नहीं मिल रहा जी, बड़ी परेशानी आ रही है। खाद जिस चीज की जरूरत ही नहीं है उसको क्यों दे रहे हैं? खाद की तो पूर्ति नहीं हो रही है, पैसा नहीं है, इनकम नहीं है, ये हेराफेरी कर रहे हैं। किसानों की हितैषी बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज किसान दर दर की ठोकरें खाते घूम रहे हैं। निरंजन, खाद न मिल रहा भैया, खूब घट्टा मट्टी है, दबके है। दरअसल हम बात हरियाणा के बल्लभगढ़ की कर रहे हैं, जहां खाद नहीं मिलने से किसान परेशान हो रहे हैं। खाद के लिए लगी किसानों की इस लंबी लाइन को देख कर अब आप इस बात का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और ही हैं। आला जी, गांव से आप रुकला है जी, आज 5-7 दिन है गए, बाम में भी चोट लग गया, एक्सीडेंट है, खाद नहीं मिल रहा जी, बड़ी परेशानी आ रही है खाद पे। और एक नैनो न सीसी ने दे रहे हैं 250 रुपया की, खाद की तो पूर्ति नहीं हो रही है, पैसा नहीं है, इनकम नहीं है, ये हेराफेरी कर रहे हैं। फसलों की कटाई की जा चुकी है, ऐसे में अब किसानों को बुवाई के लिए डीएपी खाद की जरूरत है, लेकिन भाजपा सरकार किसानों को सही मात्रा में डीएपी खाद मुहैया कराने में असफल होती नजर आ रही है। आलम यह है कि किसानों को कई महीनों तक सरकारी खाद की दुकानों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। नरेश मचगर से, नहीं मिल रहा जी, क्या बताते हैं? जो कह रहे हैं जी कम से कम 10 कट्टा लो, और वो में भी 10 में भी ये मिलेगा, नैनो देंगे के अंदर। खाद के लिए लंबी लाइन में खड़े ये किसान देखिए सरकार को किस तरह कोसते नजर। और मैं खाद के लिए आया हूँ और खाद नहीं मिल रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। 25 कट्टा चाहिए मुझे, 25 कट्टा अभी तक नहीं मिले मुझे, और लाइन में भी लग के कल चलेगा, और अब फिर लाइन में आया हूँ, अब भी नहीं है। तरफ जहाँ भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित की बात करती है, किसानों की सरकार होने का दावा करती है, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में किसानों की हालत हो रही है कि उन्हें खाद तक मुहैया नहीं कराई जा रही। देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों के लिए बड़े बड़े वादे तो कर देते हैं, लेकिन उन वादों पर शायद अमल करना भूल जाते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।